विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खरगोन पुलिस हाउसिंग कॉलोनी जेतापुर में कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी के गार्डन में विभिन्न प्रजाति के 101 पौधे लगाए और सभी ने पौधों की नियमित देखभाल करने की पानी देने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर पीएचई विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर चौहान ने भी उपस्थित रहे कर पौधारोपण करते हुए गार्डन के विकास में पूर्ण सहयोग देने की बात कही। गार्डन में भविष्य में मंदिर निर्माण हेतु कमेटी बनाने और परिसर में समुचित विकास हेतु सभी कॉलोनी वासियों ने पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। कॉलोनी के निवासी अजय गुप्ता ने बताया कि आज पूरे विश्व में पर्यावरण संतुलन अव्यवस्थित हो गया है, जिसमें शुद्ध ऑक्सीजन की भारी कमी होती जा रही है। इसी को लेकर हमने पौधारोपण किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर आपका स्वागत है, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम पीयूष सोलंकी, मैं सहायक संचालक कृषि हूँ खरगोन में। ये आज जो सब इकट्ठे हुए कॉलोनी वासी, इसका क्या उद्देश्य क्या रहा है? ये विश्व पर्यावरण दिवस आज मन रहा है, उसके उपलक्ष्य में सभी कॉलोनी वासियों ने वृक्षारोपण किया। करीबन 101 पौधे यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के लाए गए हैं और उन्होंने 100 पेड़ से लगाए हैं। आगे क्या योजना है इसमें, कैसे क्या ये जो बगीचे में जो परिसर में जो पौधे लगाए हैं इनकी देखभाल के संबंध में? देखभाल के संबंध में जो कॉलोनी वासी है उन्होंने योजना रखी है, उन्होंने टंकी लगाई है, इसमें पानी की व्यवस्था करते हुए अब सभी को काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि किसको क्या कब कब देना है, खाद कब देना है, कौन इसकी रखवाली करेगा, इस संबंध में पूरा चल रहा है। हाँ, जो ये विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जैसे पौधे लगाने का कार्यक्रम जो चलता है तो करते हैं, उसका जैसे आपके यहाँ भी आपने जो पौधे लगाए हैं तो इसका मूल उद्देश्य पौधे लगाने का मूल उद्देश्य यह है कि अभी जो आपने देखी कि जो COVID-19 की जो महामारी आई थी उसमें ऑक्सीजन की जो कमी आई थी, उसका मेन कारण यही है कि जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, प्लांटों की कमी होती गई है, उस कारण मानव जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है इसका। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने और इन्होंने मिल करके ऑक्सीजन की पूर्ति रहे वातावरण में, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने वृक्षारोपण किया। आज ये पुलिस हाउसिंग कॉलोनी खरगोन में जो सारी महिलाएं जो इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे, इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे किस लिए आए हैं यहाँ पे, या आज इतनी भीड़ क्यों है? आज ये विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग लेडीजों का लक्ष्य था कि 101 पौधों का वृक्षारोपण करें, जो आज कोरोना काल में जो ऑक्सीजन के लिए जो इतनी त्राहि मची थी, परिस्थिति को देखकर कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, इसीलिए हम लोग 101 पौधों का लक्ष्य रखा था और करीब 125 पौधे हम लगा चुके। क्या नाम लिखते हैं आप? श्रीमती गायत्री गुप्ता। आप बताएं कि यहाँ आने का मुख्य कारण क्या रहा आपने, किस पर? हाँ, ये पर्यावरण के रहा कि कोरोना काल में शुद्धता भी रहे ऑक्सीजन की कमी के कारण, और ये अपने कॉलोनी के सभी लोग आके यहाँ पे बैठे, शुद्ध वायु मिले। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? सीमा जैसा। मैडम आप क्या शुभ नाम लिखते हैं? श्रानु गुप्ता। हाँ, आप बताएंगे। यही है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है अभी कोरोना काल में। हाँ, हाँ। तो हमें ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में रखना है, अधिक पौधे लगाएं और अपने वायुमंडल को शुद्ध करें। बहुत अच्छा होगा कि सभी एक काम करें, हर पौधा ऑक्सीजन देता है और पौधे के साथ ही हमारा जीवन भी है। बहुत बढ़िया। अरे आप बताएंगे आपने कितने पौधे लगाए यहाँ पर? मैंने 5 पौधे लगाए। 5 पौधे लगाए तो आप कहाँ यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं, पुलिस हाउसिंग कॉलोनी। हाँ। तो क्या पर्पस है ये पौधे लगाने का, उद्देश्य क्या रहा, क्यों लगाए पौधे? लगाए कि ऑक्सीजन की कमी है। हाँ। और इसलिए पौधे लगाए कि सबको छांव भी मिले और ऑक्सीजन भी मिले और गार्डन भी अच्छा शुद्ध दिखे, तो आप और बच्चे भी खेल पाए। हाँ, तो आप प्रतिदिन ये पौधों को पानी भी देंगे बराबर? हमारे घर ट्यूबवेल है ना, हम डेली पानी देंगे। अम्मा जी आप भी कौन कौन से पौधे लगाए आपने? अब मेरे को तो याद नहीं है, पर पौधे लगाए आपने? आप बताओ आपने कौन कौन से पौधे लगाए? गुलाब, उसके लाल फूल के लगाए और पीले फूल के भी लगाए? नहीं, पीले फूल के नहीं लगाए, लाल फूल के और बादाम के लगाए। आप यही रहते हैं? यही रहते पुलिस कॉलोनी में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।